नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। एक ऐसी माँ की हकीकत बताने जा रहे हैं जिसने सिर्फ 4 साल के बच्चे को जिसने अब कपड़ों में सोच कर दिया, जिसकी वजह से उसे मिली सजा। मासूम को फर्श पर लेटा करके लात घूसों से कर दी उसकी पिटाई, जिसने माँ के अर्थ को ही निरर्थक कर दिया। वीडियो लेकर थाने पहुंची दादी व उसका बाप। मोहता गार्डन इलाके में हुई घटना का वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने शुरू की है कार्रवाई। अत्याचार करने वाली मां पर केस भी दर्ज हुआ है। बाल कल्याण समिति की सदस्य गीता कटोरिया ने दी है पूरे मामले की जानकारी। बाल संरक्षण विभाग व बाल कल्याण समिति ने दादी को सौंपा बच्चा व सुरक्षा का जिम्मा। आप देख रहे हैं पल पल। बच्चा जोर जोर से चिल्लाए जा रहा है। पुलिस ने वीडियो को देख करके बच्चे की दादी के बयान लिए और उसकी शिकायत पर बच्चे की मां के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। वही मामला बाल कल्याण समिति के सामने पहुंचा, बाल संरक्षण विभाग के पास पहुंचा और उनकी नॉलेज में आने के बाद में उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके आधार पर बच्चे की सुरक्षा का जिम्मा अब विभाग ने बच्चे की दादी को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। वीडियो में तस्वीरें विचलित करने वाली है, इसलिए हम नैतिकता के नाते इस वीडियो के अंदर बच्चे की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। वहीं बच्चे को रोते सुना तो पड़ोसी ने वीडियो बनाकर दादी को दिखाई। दादी ने तुरंत थाने पहुंचकर अपनी तभी किसी ने बच्चे की पिटाई देख करके उसका वीडियो बना दिया और इस पर दादी अपने पोते की जान को खतरा नजर आया तो उसने तुरंत पुलिस से गुहार लगाई। वह तुरंत शहर थाना में पहुंची, वहां पर जाकर के इस वीडियो को पुलिस को दिखाया और बोली, इस बच्चे को बचा लो, मेरे पोते को जान से मार डालेगी। पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और बाल संरक्षण विभाग को इसकी सूचना दी। वहीं शहर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बच्चे की दादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर बच्चे की मां को गिरफ्तार कर लिया है। बाल कल्याण समिति की सदस्य गीता कटोरिया ने बताया कि पुलिस द्वारा बच्चे की पिटाई का मामला बाल संरक्षण विभाग के संज्ञान में लाया गया था। बाल संरक्षण विभाग ने बाल कल्याण समिति की दिनांक 16 को हमारे पास राजबाला की तरफ से एक कंप्लेंट आई थी कि उसकी पुत्रवधु उसके पोते को बुरी तरह पिटाई कर दी है और काफ़ी उसको चोटें मारी हैं। जो इस शिकायत पर हमने FIR दर्ज करके जुराइन जज एक्ट के तहत और पिटाई करने वाली माता को नियमानुसार अरेस्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन जारी। हाँ, इसमें एक वीडियो भी है, वो भी इन्वेस्टिगेशन जी कुछ याद। हमारे पास ये एक बताया था, पुलिस के थ्रू हमारे पास सूचना आई थी कि ऐसे ऐसे बच्चे को उसकी मम्मी के द्वारा बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। वो वीडियो भी हमने देखी और उसके बाद उस बच्चे को हमने एक बार ही अपने पास ही रखना उचित समझा। पुलिस वाले लेके आए थे हमारे पास, तो एक रात उसको हमने होम में रखा और हमें मजबूरी में उसकी मदर को साथ रखना पड़ा क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। और नेक्स्ट डे जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास सारा मामला आया तो हम मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मेंबर्स ने ये निर्णय लिया कि इस बच्चे को इसकी माँ के पास रखना सुरक्षित नहीं है। और उसकी दादी जी से बात की गई और हमने उनको सही मानते हुए, एक फिट पर्सन मानते हुए, उस बच्चे की परवरिश करने के लिए उस बच्चे को हमने उसकी दादी को सौंप दिया ताकि उस बच्चे के पालन पोषण में या किसी प्रकार से उसके भावनात्मक स्तर में किसी प्रकार के कोई नेगेटिव बात ना आ पाए। हमें वो उचित लगा और हमने उसकी दादी को सौंप दिया। उसकी दादी ने उसके उस मम्मी के अगेंस्ट FIR कराई थी। पुलिस वालों को भी हमने कहा कि इसके बच्चे की MLR होनी चाहिए, MLR करवाई गई।
FRI हुई दादी के द्वारा। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और इस बारे में उनकी तरफ से जांच पड़ताल चल रही है।